ये तस्वीरें हैं महम के खेड़ी गांव की। तस्वीरों में खड़ी दिखाई दे रही क्रेटा और फॉर्च्यूनर गाड़ी में यहां कुछ बदमाश बलराम के घर पर हमला करने पहुंचे। इस दौरान बदमाशों ने बलराम और उसके पिता पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। बलराम ने जैसे तैसे घर में छुपकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसके पिता शमशेर को 3 गोलियां लगी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलियों की गड़गड़ाहट सुन ग्रामीण बाहर निकले और बदमाशों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते बदमाश यहीं अपनी गाड़ियां छोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बलराम ने बताया कि एक किन्नर जो बदमाशों की गैंग चलाता है, उसने ही उसके घर पर हमला करवाया है। उसकी ही जुबानी सुनिए रंजिश की दास्तान। संजय पटियाणिया नहीं मारता जो मारगुवांड में उसका भाई फौजी का उसकी चुकरे साड़े का साड़ा सूड़ा है, उसकी फीस देगा 1.5 लाख रुपए। उस केस लुवा दिया, हम तीनों बिठा दिए। हम बोले महाजी मार दो, रखो से दो रहे नहीं है। बोले देख मेरी नहीं बस आओगी, ऊपर बात कर रहे हैं SHO के लिए और मन लाना पड़ेगा और लांदे जी बदली करवाया गया। जब वो नहीं जानी है तो भीतर भी गई तुम? नहीं जी मैं नहीं गया जी, बलराम के लाग गया केस। अच्छा, बलराम का लाग गया। पैसे मारा लंदे दिए मारे भाई ने, कप्तान ने जो इजड़ा बन रहा है सफाई के लिए। अगर इन तो अपनी तरफ रख ले, भलाई ले ले समाज से या मान ले परिवार से, इस पर लगवा तो भीतर काट का आया ना जी। बाहर की बार उस पुलिस वाले ने करवा दी जमानत है, जब उसमें था ही नहीं कुछ, उन्हें बेरा था पुलिस वाले ने लीटर रिक्वेस्ट कर दी तो उन्हें जमानत होगी जी उसकी। ये तो खतरनाक है, इसका इलाज करवाओ। गुआना तारी जबरदस्ती पूरी कॉलोनी जा पूछ लो बेशक। वहीं जिसे किन्नर बताकर बलराम आरोप लगा रहा है, उसका भाई भी बलराम का साथ देते हुए अपने भाई को दोषी बता रहा है। उसकी ही जुबानी सुनिए उसके द्वारा लगाए गए आरोप। आए हुए थे देखने के लिए ये गाड़ी वाले इधड़े जो थे, उन्होंने ना जो अपने गुंडे भेजे, 2 गाड़ियां भेजी यहाँ पर मौके वारदात पे ना, इन्हों गाड़ी खड़ी करी और उसके बाद चल के आया, हाथापाई की उन्होंने हमारे साथ और ना रिवॉल्वर निकाल लिया उन्होंने। रिवॉल्वर निकाल कर वह है ना, हम उनके पीछे भागने लगे तो उन्होंने फायर कर दिया हमारे ऊपर और वो जो कि गोली लगी काका को, 2-3 गोली लगी, फायर करी उन्होंने 4-5 और उसके बाद वो मौके वारदात पे ना गाड़ियों के पास जाने लगे, वहाँ से फिर फरार हो गया, हम उसके पीछे लगे, फिर वो ना फरार हो गए वहाँ से। तो क्यों हमला किया गया है, कारण क्या रहा है? कारण यही रहा है, मतलब इन्होंने ना झूठे केस के ऊपर है ना, पहले भी कई बार केस लगवा लिए और अभी भी केस लगवा रहे हैं, जीने नहीं दे रहे। वहीं पुलिस का कहना है कि फायरिंग के मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे, फिलहाल शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। यहाँ खेड़ी में मलगोली चलने की सूचना मिली थी, सूचना पर हम आए हैं यहाँ और जो शमशेर सिंह आया था उसको इलाज के लिए PGI रेफर हो जाओ। तो कुछ पता चल सका क्या? जांच जारी है, अभी जांच चल रही है। पीड़ित परिवार फायरिंग करने वालों पर आरोप लगा रहा है कि उनका किन्नरों का गैंग है, वो उन्हें भी गलत काम करने के लिए अपने साथ लगाना चाहते हैं, लेकिन वो इसके साथ नहीं जाना चाहते, इसी वजह से वो उन पर हमले करवा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा पुलिस जांच में क्या निकल कर सामने आएगा। महम से कपिल शर्मा, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।